नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आइस में। हम करंट अफेयर देखेंगे जिसमें ईरान और इजराइल का मामला है। एक पृष्ठभूमि थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या पृष्ठभूमि है ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष का। टॉपिक है ईरान व इजराइल। दोनों मिडिल ईस्ट के कंट्री है। ईरान की राजधानी जानते हैं तेहरान है। मिडिल ईस्ट अर्थात जो है बोलेंगे आप उत्तर पश्चिम वाला इलाका है एशिया का। तो ईरान और इसराइल है, ईरान की राजधानी तेहरान। इसराइल जब हमास के आतंकियों ने इसराइल पे अटैक किया, एक बात थोड़ा इसमें देख लीजिए आप, ये मैप दिखेगा आपको, यहां पे है ईरान और इस साइड से आपको मिलेगा इजराइल। ये पड़ोसी कंट्री नहीं है, लेकिन क्या है ये तो बोलना है आपको, क्या बोलना है। इजराइल जो है भूमध्य सागर को टच करता है और ईरान जो है टच करता है फारस की खाड़ी को। तो हमास के आतंकियों ने अक्टूबर 7, 2023 को इसराइल पे सडनली अटैक किया था, रात में अटैक किया और 1200 इसराइली नागरिकों की हत्या कर दी। ऐसा पहली बार हुआ था इतिहास में जब एक साथ इतने इसराइली नागरिकों को मारा गया। किसके द्वारा? हमास के आतंकियों द्वारा। रिजल्ट ये हुआ, इसराइल ने हमास पर प्रतिक्रिया करते हुए हमास का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, टॉप कमांडर थे, उन सबको मारा और ओवरऑल सिविलियन डेथ को मिलाते हुए एक आंकड़े के अनुसार 33,000 बोलना है आपको नागरिकों को मारा गया, इजराइल के द्वारा मारा गया। कुल मिला के 33,000, ये तो डाटा है। अभी आना बचा है कि और कितने मरे हैं वहां पे नागरिक। फिलहाल 33,000 फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं जिसमें हमास के आतंकी भी शामिल। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमास, हिजबुल्ला और हाउती, ये तीनों आतंकी संगठन है। तीनों देखिए मिडिल ईस्ट में, ये पूरा इलाका जो कहलाता है मिडिल ईस्ट कहलाता है। ये खाड़ी के देश हैं जो फारस की खाड़ी को टच करते हुए हैं। तो मिडिल ईस्ट में हमास आतंकी संगठन है, हिजबुल्ला है और हाउती, ये तीनों आतंकी संगठन है। इन तीनों ने इजराइल के खिलाफ एक संघर्ष छेड़ा, इजराइल पे लगातार हमले किए चारों साइड से। इनको समर्थन दिया ईरान ने, ईरानों जो ईरान है इसने हथियार की, मिसाइलों की, ट्रेनिंग की व्यवस्था की इन आतंकियों के लिए। ये जो है बोलना है आपको सिया आतंकी संगठन है। इनको हथियार देने का काम, मिसाइल की सप्लाई करने का काम, ट्रेनिंग देने का काम, फंडिंग देने का काम और भी उपकरण देने का काम ईरान करता है। तो लगातार ईरान ने एक तरीके से प्रॉक्सी वार छेड़ा था। प्रॉक्सी वार क्या होता है? तो प्रॉक्सी वार जिसमें आमने सामने लड़ाई ना करके किसी तीसरे पक्ष को आगे करके लड़ाई किया जाता है, जैसे आतंकियों को आगे कर दिया जाए, एक शब्द आएगा प्रॉक्सी, प्रॉक्सी वार। क्या होता है प्रॉक्सी वार? तो बोलना है जिसमें डायरेक्टली आमने सामने नहीं होता है कि इसराइल और ईरान में डायरेक्टली आमने सामने हो जाए, अपने सैनिकों को भेजे, बल्कि किसी आतंकी संगठन के जरिए ये युद्ध लड़े जाते हैं। तो ईरान प्रॉक्सी वार लड़ रहा था, लेकिन इसके बाद इस प्रॉक्सी वार का परिणाम क्या हुआ बोलना, 1 अप्रैल 2024, जो ये अप्रैल का महीना है, 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने मिसाइल अटैक किया और साथ ईरान के कमांडरों को, अर्थात जो मिलिट्री पर्सन है, मिलिट्री पर्सन को मार गिराया। एक मिसाइल से अटैक किया इजराइल ने, टारगेट किया और ईरान के साथ जो मिलिट्री पर्सन है उनकी हत्या कर दी। और ये कहाँ पे हुआ था? सीरिया की राजधानी दमिश्क में, जहां पे ईरान का दूतावास था। दमिश्क कहाँ पे? सीरिया में। इसी का परिणाम है कि
ईरान ने जो सडन अभी इसराइल पे इतने हमले किए, इसी इसराइल का जो मिसाइल अटैक था जिसमें 7 ईरान के मिलिट्री पर्सन मारे गए थे, प्रतिक्रिया है। ये है ईरान और इसराइल, ये वाला है इसराइल और ईरान, दोनों अलग-अलग है। इसराइल ईरान, तो ईरान ने ड्रोन से अटैक किया, ब्लास्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, अलग-अलग तरीके के मिसाइलों से अटैक किया और काफी बड़ी मात्रा में। जैसे अकेले ड्रोन का इस्तेमाल किया है 130 से अधिक ड्रोन है, क्रूज मिसाइल 300 सॉरी 30 क्रूज मिसाइल से अटैक किया। लेकिन कुछ भी इसराइल में जो भी रहा नुकसान, कुछ भी नहीं हुआ, सारे के सारे मिसाइल जो थे आकाश में ही समाप्त हो गए। इसका कारण क्या था? तो वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। तो ईरान ने अप्रोक्सी वार को छोड़ दिया है कि अप्रोक्सी वार नहीं लड़ेंगे, सीधा ईरान ने इसराइल पे अटैक किया है। क्या बोलना है? ईरान ने प्रॉक्सी वार लड़ना छोड़ दिया, अब सीधा ईरान और इसराइल आमने सामने हैं, जिसमें ईरान ने मिसाइल ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले किए। एयर डिफेंस सिस्टम जो था इसराइल का, वो बचाव किया। इसमें बचाव के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी एक्टिव हो गया। पहले से इसराइल में एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी एक्टिव हो गए थे। इसके साथ साथ वेस्टर्न कंट्री, यू बोले G7 देश, सऊदी अरब, जार्डन और UAE, जहां भी अमेरिका के फोर्स है, सऊदी अरब, जार्डन, UAE में, सारा एक साथ एयर डिफेंस सिस्टम, प्लस जो पनडुब्बी रहते हैं या फिर आप बोलेंगे डिस्ट्रॉयर, जैसे भूमध्य सागर में अमेरिका का डिस्ट्रॉयर है, पनडुब्बी भी है लाल सागर से लेके, और बोलना है आपको कि अरब सागर तक, वो सब एक्टिव हो गए। रिजल्ट है कि एयर डिफेंस सिस्टम के कारण जितने भी मिसाइल ड्रोन थे वो सब एयर में समाप्त हो गए और इसराइल पूरी तरीके से सुरक्षित हुआ। अभी इसराइल, इसराइल का प्रतिक्रिया क्या है? इसराइल अभी शांत है, हालांकि प्रतिक्रिया करेगा लेकिन शांत है। शांति का कारण क्या है? यूनाइटेड स्टेट है, यूएस। देखिए जो इसराइल है, यूएस के कंधे पे सवार है, मेन बॉस कौन है? यूएस है। अमेरिका के कहने पे जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं आगे आते हैं या पीछे रहते हैं, सिर्फ अमेरिका के निर्देश पे। एक बार और थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। क्या ईरान का ये पहला एयर स्ट्राइक था इसराइल के ऊपर, या इससे पहले भी इसराइल ने इस तरीके से अटैक्स हैं? तो बोलना है आपको 1979 के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन है, 1979 एक परेड है जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आया था, इस्लामिक क्रांति कहाँ पे? बोलना है ईरान में, जब ईरान के शाह का तख्ता पलट कर दिया गया था और ईरान का शाह, इसको संरक्षण यूनाइटेड स्टेट ने दिया था, तब से लेके यूएस और ईरान में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। अर्थात यूएस ने जो भी ईरान के बोलेंगे बागी लीडर थे, नेता थे, जो भाग के इस्लामिक रेवोल्यूशन के समय अमेरिका चले गए थे, ईरान चाहता था कि यूएस उसे वापस कर दे। जितने भी राजद्रोह के नेता थे, विद्रोही नेता थे, बागी नेता थे, लेकिन यूएस ने देने से मना कर दिया था। अंत में जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इसने काफी सारे बंधक बना लिए थे इसके दूतावास के कर्मचारियों को, और तब से इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से इन दोनों में एक टेंशन है। तो 1979 के बाद इसराइल जो है इस पे अटैक हुआ है, इससे पहले अटैक नहीं हुए, तो एक लंबा पीरियड है। फिर 2019 की बात है, ईरान और सऊदी अरब, तो ईरान और सऊदी अरब भी मिडिल ईस्ट में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। जो ईरान है इस्लामिक देश है, सऊदी अरब भी इस्लामिक देश है, बट एक शिया ब्रांच को मानता है, अर्थात जो शिया संगठन है
जो शिया धर्म के हैं वह ईरान समर्थित है, ईरान उनका समर्थन करता है, और जो सुन्नी धर्म के हैं वह सऊदी अरब द्वारा समर्थित है। तो शिया सुन्नी विवाद है, इस्लामिक जगत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। हमेशा बीच में टेंशन होता है, फिर बीच में समझौते हो जाते हैं, फिर से शांति हो जाती है। तो 2019 का पीरियड है जब ईरान ने टारगेट किया था सऊदी अरब के ऑयल फैसिलिटी को। ऑयल फैसिलिटी जो भी रिफाइनिंग प्रोसेसिंग संयंत्र रहते हैं, समझिए रिफाइनरी है या फिर प्रोसेसिंग सेंटर है। तो पूरा खाड़ी के देश तेल के लिए जाने जाते हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत है। तो ऑयल रिफाइनरी और प्रोसेसिंग सेंटर है, इस पे ईरान ने मिसाइल से अटैक किया था। तो ऐसा नहीं है कि ईरान मिसाइल या ड्रोनों का इस्तेमाल ही करता है, समय समय पर करता है। 2019 में ईरान ने किया था सऊदी अरब पे, ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया था। पुनः बात करते हैं 2020 का। 2020 इसमें यूएस ने जब ईरान के एक टॉप कमांडर, देखिए ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वहां की सेना है ईरान की, एक विशेष नाम आता है रेवोल्यूशनरी गार्ड। तो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक स्पेशल फोर्स था, क्वाड फोर्स, उसके एक लीडर को यूएस ने मिसाइल अटैक में मार दिया था। पूरा वर्ल्ड से प्रतिक्रिया आ रही थी उस पर। उसका नाम था सुलेमान कुरैशी, सुलेमानी। ये क्वाड के टॉप कमांडर थे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के। तो यूएस ने मिसाइल अटैक करके सुलेमानी की हत्या कर दी थी 2020 में। पुनः ईरान ने अमेरिका के जो बेस थे इराक में, इस पे मिसाइल से हमला किया था। 100 से अधिक मिसाइल ईरान ने छोड़े थे, और बहुत सारे जो यूएस के सैनिक थे वो जख्मी हुए थे। किसी का ब्रेन डेथ हुआ था, तो किसी के जख्मी हुए थे, बहुत गंभीर घाव लगे थे। लेकिन 100 से अधिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया था। तो ऐसा नहीं है 2019 में ही मिसाइल का इस तरीके से इस्तेमाल हुआ, 100 मिसाइल 2020 में भी इस्तेमाल किया ईरान ने यूएस के खिलाफ। और जो अभी इसराइल है, इसके ऊपर ड्रोन मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। एक बार यूएस का भूमिका देखते हैं, यूएस क्या चाहता है। देखिए यूएस यूएस क्या चाहता है। यूएस का कहना है कि अभी जो इसराइल है वह शांत रहे, मतलब इसराइल अभी कुछ ना करे, क्योंकि अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में युद्ध नहीं चाहता। मिडिल ईस्ट है उसमें युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में फंस जाएगा। कैसे फंसेंगे? तो कुछ गुट बनेंगे, जो फिक्स है बनना है। गुट कौन कौन से? ग्रुप या गुटिंग बनेंगे। तो एक यूएस के नेतृत्व वाला गुट बनेगा, जिसमें यूएस होगा, कनाडा, या यू कहे G7, एक नाम आ रहा है याद करना है आपको, G7। यूएस, कनाडा, फ्रांस, यूएस, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली। तो ये जो है, देखिए टोटल 7 मेंबर हैं। तो ये टोटल जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, यूएस, G7 कंट्री एक साइड रहेंगे। पुनः ईरान, ईरान के समर्थन में लेबनान है, यमन, सीरिया, ऐसे देश आएंगे, और रूस भी आएगा निश्चित है, चीन और उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान भी शामिल होगा इसमें, क्योंकि जहां चाइना रहेगा वहां पे पाकिस्तान बिल्कुल रहेगा। इस तरीके से एक गुट बनेंगे। इधर सऊदी अरब के नेतृत्व में भी गुट बनेगा, सऊदी अरब, ये यू कहे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, खाड़ी के देश, खाड़ी के देश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन जैसे देश शामिल होंगे। अब ये किस देश में जाएगा, किस पक्ष में जाएंगे, ये तो भविष्य में बताएगा, लेकिन तीन गुट तैयार है।
मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ सकता है, पूरा संघर्ष छिड़ सकता है। अमेरिका नहीं चाहता किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट में अभी युद्ध चले, क्योंकि अमेरिका 2003 में लड़ाई लड़ चुका है, इराक वार, जिसमें इसने इराक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। 2003 का इराक युद्ध, यूनाइटेड स्टेट ने बहुत सारे मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, फाइटर जेट का इस्तेमाल, बम बरसक से पूरा इराक को ही नेस्ता नाबूद कर दिया था। सदाम हुसैन का गवर्नमेंट था, सदाम हुसैन एक नाम है। तो किसी भी तरीके से युद्ध में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि एक और मेजर कारण है जो यूएसए इसका पूरा ध्यान बोलना है आपको, इंडो पैसिफिक पे है, अर्थात चीन पे है, साथ में रूस और उत्तरी कोरिया। अगर इंडो पैसिफिक से ध्यान हटता है चीन का, सॉरी रूस अमेरिका का, तो चीन इस क्षेत्र में पूरा हावी हो जाएगा। क्या बोलना है आपको, जो इंडो पैसिफिक है यहाँ पे चाइना पूरी तरीके से हावी हो जाएगा, चाइना के नेतृत्व वाला गठबंधन रूस और उत्तरी कोरिया पूरा प्रशांत क्षेत्र पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि यूएस को अपना सैनिक हटाना पड़ेगा एशिया प्रशांत क्षेत्र से, और उसे मिडिल ईस्ट में अपना सैनिक रखना होगा। एक बार डायग्राम से देखिए, तो कुछ इस तरीके से रफ डायग्राम मिलेगा आपको। ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट, और ये पूरा इलाका है इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत मतलब ये पूरा का जोड़ेंगे ऐसे करके। विशेषकर ये वाला इलाका जो है दक्षिण चीन कहलाता है, इंडो पैसिफिक का एक हिस्सा है, दक्षिण चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, जहां पे चाइना ने फोर्सफुली कब्जा किया हुआ है। अमेरिका का पूरा ध्यान अभी इसी दक्षिण चीन सागर पे है और इंडो पैसिफिक के इस वाले क्षेत्र में है। अभी इस वाले क्षेत्र में नहीं, यहाँ तो भारत पहले से एक्टिव है, साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया को एक्टिव किया जा रहा है, फ्रांस भी है इस क्षेत्र में। तो अमेरिका अभी यहाँ पे उपस्थित है, अपना पूरा ध्यान रख रहा है चाइना के ऊपर और रूस के ऊपर, तो उत्तरी कोरिया और रूस, ये तीन देश है। किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे युद्ध होता है तो अमेरिका को अपना पूरा सैनिक ध्यान इधर रखना होगा, संसाधन का। और एक और पहले से युद्ध चल रहे हैं यहाँ पे इस वाले इलाके में, रूस, और इस साइड में है यूक्रेन। तो तीन खेमा वाला पॉइंट है जहां पर युद्ध होगा, और ये होना ही है भविष्य में। तो अमेरिका का भी यही है, अमेरिका चाहता है, क्या चाह रहा है कुछ पॉइंट में देखिए, G7 के राष्ट्र प्रतिबंध लगाए, किस पे, ईरान पे। ईरान में पहले से यूएस का प्रतिबंध है, सेक्शन है, ट्रेड से लेके सप्लाई तक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तेल तक, तो ईरान पे प्रतिबंध है G7 का, और भी मजबूत प्रतिबंध रहेगा, बैंकिंग सेक्टर तक जा सकता है, प्लस किसी पर्सनल व्यक्ति को भी टारगेट किया जाएगा, देखना आगे कौन सा प्रतिबंध लगता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई ली गई है, और अभी ईरान को, सॉरी इसराइल को शांत रहने के लिए बोला गया है कि काम धारण करे, प्लस क्षेत्र गठबंधन बनाने की बात किया यूएस ने। रीजनल गठबंधन क्या है, क्षेत्र गठबंधन, कि जो भी यूएस समर्थित हैं, जैसे कि यूएई, खाड़ी के देश, और फिर बोलना इजिप्ट हो, इसके साथ जार्डन हो, इन सब को लेके एक क्षेत्र गठबंधन बनाया जाए, और इजराइल की पूरी सिक्योरिटी करेगा यूएस, कमिटमेंट है यूएस का कि पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इजराइल की, वो अमेरिका के ऊपर है। इधर ईरान ने भी साफ साफ कहा था कि जो अटैक है, देखिए
ऐसा नहीं है कि ईरान ने अचानक ही अटैक किया है, ईरान ने भी पहले से अलर्ट कर दिया था मिस्र को, यूएई, सऊदी अरब। मिस्र, यूएई, सऊदी अरब को ईरान ने पहले से नोटिस दे दिया था एडवांस में कि हम अटैक कर रहे हैं मिसाइलों से, तो अपना जो भी प्रॉपर्टी व्यक्ति पर है उसे हटा लिए। तो एडवांस नोटिस दिया हुआ था इसराइल पर अटैक करने से पहले। ईरान ने भी कहा है जो प्रतिक्रिया है वो हमारे जो सैनिक मारे गए हैं उसी का एक रिस्पॉन्स है, अभी अटैक नहीं करेंगे, हम भी युद्ध नहीं चाहते। लेकिन ईरान ने यूएस को भी बोल दिया है कि मामला जो है ईरान और इसराइल का है, बीच में कोई भी कंट्री ना आए। ईरान ने यूएस को साफ वार्निंग दिया है कि मामला जो है अब ईरान और इसराइल का है, बीच में यूएस वेस्टर्न कंट्री कोई भी ना आए। तो इस तरीके से ईरान का प्रतिक्रिया है। ईरान का निश्चित है समर्थन मिलेगा चाइना से, रूस से, उत्तरी कोरिया से। ईरान ने बहुत सारे ड्रोनों की सप्लाई की है और हथियारों की रूस को, जो रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहे हैं इसमें ईरान के द्वारा एक बहुत बड़ी मात्रा में बोलना है हथियार, एमिनेशन, गोला बारूद सप्लाई किया गया है। भविष्य में अगर युद्ध होते हैं तो रूस भी समर्थन करेगा और चीन भी ईरान का ही समर्थन करेगा, या इन दोनों खेमे के बीच, इसराइल अर्थात इसराइल और ईरान के बीच शांति कराने का काम चाइना करेगा। चाइना हर स्थिति में मिडिल ईस्ट में पहुंचना चाहता है, अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है और पूरा मिडिल ईस्ट से यूएस को हटाना चाहता है। जहां भी अमेरिका का अस्तित्व है वहां से अस्तित्व हटाना चाहता है चाइना। इस स्थिति में चीन की भूमिका यहाँ पे अहम हो जाती है। भारत भी एक डेमोक्रेसी का पालन करने वाला कंट्री है, शांति व्यवस्था के लिए इसे भी यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करना होगा। तो बस यही है छोटा सा एक ईरान और इसराइल का मामला। मामला देखिए खाड़ी देश में हमेशा से है, कभी धर्म का मामला है, अगर थोड़ा सा और देखें, सॉरी, जो इज़राइल है बोलना है इज़राइल में यहूदी धर्म है और ईरान जो है इस्लामिक देश है, तो धर्म का मामला है अर्थात धर्म का युद्ध है, धार्मिक युद्ध। हमेशा धर्म के नाम पे युद्ध हुए हैं, समय समय पे लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, मर जाते हैं। तो धर्म एक इस्लामिक धर्म है, एक यहूदी धर्म है मिडिल ईस्ट में। इसराइल बलपूर्वक बसा हुआ कंट्री है मिडिल ईस्ट में, ईरान बिल्कुल नहीं चाहता कि बलपूर्वक मिले। प्लस इसराइल के द्वारा जो फिलिस्तीनी है इनको अधिकार ना देना, इनकी हत्या करना, अंत में जब इन्हें कोई भी संरक्षण नहीं देता है, समर्थन नहीं देता है, तो इस स्थिति में ईरान आगे आता है, समर्थन देता है। तो मामला ऐसा है धर्म से लेकर क्षेत्र तक। तो मामला क्या है, धर्म का है प्लस क्षेत्र में कंपटीशन का है और यहाँ पे यूएस भी उपस्थित है। जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट से नहीं हटेगा तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं बनेगी। मिडिल ईस्ट में कभी आईएसआई का प्रकोप रहता है तो कभी अलग अलग आतंकी संगठन जन्म लेते हैं, कभी अमेरिका के द्वारा मिसाइल अटैक, ड्रोनों से अटैक किया जाता है, कभी ईरान के द्वारा, कभी इसराइल के द्वारा, पूरा क्षेत्र अस्टेबल रहता है, अस्थिर है। कारण क्या है इनस्टेबिलिटी का, तो अमेरिका, अमेरिका अपना हथियार बेचना चाहता है। अमेरिका का मोटो साफ है कि ये मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, यमन, जार्डन, जो भी देश है वो अमेरिका का हथियार खरीदे। अमेरिका हमेशा से घी में, क्या बोलना है, सॉरी, आग में घी डालने का काम करता है, युद्ध को भड़काते रहता है, हथियार बेचना चाहता है, अपना ड्रोन हो, पेट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम हो, थार जैसे डिफेंस सिस्टम हो, सबको बेचना चाहता है, फाइटर जेट बेचना चाहता है। रिजल्ट है कभी अमेरिका इस क्षेत्र में शांति नहीं चाहता और किसी न किसी से धर्म को एक बहाना बनाता है अमेरिका। ये देश धर्म को बहाना नहीं बनाते बल्कि अमेरिका ही धर्म के नाम पे, आतंक के नाम पे, कट्टरता के नाम पे लोगों को भड़काता है, क्षेत्रों को भड़काता है, नेताओं को अपने पक्ष में करता है। तो ये है यूएस। अब देखना है आगे क्या होता है, क्या युद्ध होंगे, वर्ल्ड वार की ओर फिर से जाएगा, क्या खेमा बनेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, क्या भारत भी कहीं खेमे में शामिल होगा या भारत यूनाइटेड नेशन के जरिए काम करेगा।
या भारत गुट निरपेक्ष रहेगा, गुट निरपेक्ष नीति को आगे बढ़ाएगा, बस आज के इतने बने रहिए टू डू एस में।